नमस्कार, मैं प्रभाकर निराला, A24 न्यूज में आपका स्वागत है। गाजीपुर की दिव्या सिंह के साथ 3 सालों तक लगातार उसके देवर सनी करता रहा दुष्कर्म, मदद को आगे आई रुद्र शक्ति सेना। मेरा नाम दिव्या सिंह है, मेरे पति का नाम सुधीर सिंह है और मेरा गांव मिर्जापुर है। मेरा थाना कासमाबाद, जिला गाजीपुर है। मेरी शादी 12 दिसंबर 2014 को हुई थी। खबर है उत्तर प्रदेश जिला गाजीपुर ग्राम मिर्जापुर थाना कासिमाबाद की रहने वाली प्रीता दिव्या सिंह, जिसकी शादी सुधीर सिंह से 12 दिसंबर 2014 को हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हुई। उस समय दिव्या सिंह के ससुराल वालों ने किसी तरह की दहेज की मांग नहीं की थी और कहा सिर्फ लड़की चाहिए, दहेज नहीं चाहिए। लेकिन शादी के 3 माह बीत जाने के बाद जब दिव्या सिंह के पति सुधीर सिंह विदेश कमाने चले गए, उसके बाद से ही दिव्या सिंह के ससुराल वालों ने दहेज के लिए प्रीता के साथ मारपीट कर दहेज मांग करने लगे। और साथ ही यह भी कहा जाता था कि अपने घर वालों के सिवा किसी से कहा तो तुझे जान से मार देंगे। इस दौरान प्रीता दिव्या के पति सुधीर के भाई सनी सिंह ने दिव्या के साथ जबरन बलात्कार किया। यहां तक कि उनके सास ससुर के मौजूदगी में भी प्रीता चिल्लाती रही, पर ससुराल वालों ने प्रीता दिव्या के साथ दुष्कर्म होने दिया। उसके बाद दिव्या ने अपने हाथों का नस काट लिया, जिसके बाद ससुराल वालों ने डर के कारण उसका इलाज कराकर बचा लिया। लेकिन उसके बाद भी प्रीता दिव्या के साथ दुष्कर्म उनके देवर सनी कुमार द्वारा होता रहा, जिसकी सूचना दिव्या ने अपने पति को भी दी, पर पति विदेश में कार्यरत होने के कारण कुछ नहीं कर सके। प्रीता ने परेशान होकर अपनी सभी जानकारी हिंदूवादी संस्था रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय संगठन के नारी शक्ति में अपनी शिकायत दर्ज कराई, जिसके बाद रुद्र शक्ति सेना की टीम ने उनके ससुराल वालों को कॉल कर कई बार समझाया, लेकिन फिर भी दिव्या को लगातार प्रताड़ित किया जाता रहा। फिर रुद्र शक्ति सेना राष्ट्रीय संगठन के द्वारा प्रीता दिव्या का केस नजदीकी थाना कासिमाबाद में बहुत परेशानी के बाद गाजीपुर सीओ की मदद से थाने में प्रीता का FIR दर्ज करवा दिया गया। लेकिन इसके बावजूद भी प्रीता दिव्या सिंह एवं उनके पति सुधीर सिंह को जान से मारने की धमकी दी जाती रही और केस वापस लेने के लिए बोला जा रहा, जिसकी शिकायत थाने में एवं SP ऑफिस में दर्ज करवा दिया गया है। बहुत जल्द सभी शामिल आरोपियों को गिरफ्तारी की जाएगी, जिसके बाद पुलिस प्रशासन ने आश्वासन दिया है कि सभी शामिल आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। L24 न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और मेरे ससुराल वालों ने शादी के टाइम दहेज की कोई मांग नहीं की थी, बोला था कि सिर्फ लड़की चाहिए और दहेज नहीं चाहिए। तो फिर शादी होने के बाद मेरे हस्बैंड जब 3 महीने बाद विदेश चले गए, तो मेरे सास ससुर दहेज के लिए मारने पीटने लगे और डराने धमकाने लगे और मारते पीटते थे, खाना बंद कर देते थे। उसके बाद फिर बोलते थे कि किसी से कही तो मैं जान से मार दूंगा और मुझे हमेशा प्रताड़ित करते थे दहेज के लिए। उसके बाद मेरे 1 महीने बाद मेरे देवर सन्नी ने मेरा बलात्कार किया। उस टाइम मेरे ससुराल वाले, मेरे सास लक्ष्मी देवी और ससुर सुरेंद्र सिंह और मेरी नाना भी सब लोग घर पे ही थे, मेरे जेठ सब लोग घर पे थे और मेरे को घर में ले जाकर मेरा बलात्कार कर रहा था और मैं चिल्लाती रही, चीखती रही, लेकिन कोई मुझे बचाया नहीं। उसके बाद जब 1 महीने बाद और डराए धमकाया कि अगर तुम किसी से कही तो मैं तुम्हें जान से मार दूंगा और तुम और इसी तरह डरा धमका कर मुझे चुप कराते रहे और मैं लोग लज्जा की वजह से मैं किसी को भी नहीं बताई। फिर उसके बाद जब सन्नी का बच्चा मेरे पेट में पड़ गया तो मैं जब सन्नी को बताई तो सन्नी और मेरे ससुराल वाले ने सभी लोगों ने मिल के मुझे ज़बरदस्ती दवा खिलाया और जब मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही, मेरी बहुत ज़्यादा हालत ख़राब होने लगी, तो मेरे ससुराल वाले यहीं कासमाबाद में, इनकी चचेरी बहन का क्लिनिक है, रानी सिंह नाम है, उनके पति का नाम राजेश सिंह है, वहीं पर जाके और मेरा एबॉर्शन करा दिया। उसके बाद फिर मुझे दहेज के लिए मारते पीटते रहे और प्रताड़ित करते रहे और बीच बीच में ये हमेशा छेड़खानी करता रहा। सन्नी बनारस रहता था और जब भी आता मेरे साथ छेड़खानी करता था। नवंबर के टाइम जब ये आया बनारस से तो मेरे साथ ज़बरदस्ती करने की कोशिश की, तो मैं सुसाइड करने के लिए अपना हाथ काट लिया था। उसके बाद फिर जब उसके बाद जब ऐसे ही मारते पीटते रहे तो मैं डर के मारे जान से मारने की धमकी देने की वजह से मैं अपने हस्बैंड को भी ये सब नहीं बताई। और फिर उसके बाद ये दहेज के लिए
दहेज के लिए हमेशा मांग करते रहे। फिर उसके बाद जब मेरे मायके में भेज दिए ये लोग हाथ कटने के बाद मेरे मायके, फिर वहाँ से मैं बनारस चली गई और वहाँ पे मैं पढ़ने लिखने लगी। फिर उस दौरान फिर मैं जब कभी कभी आती थी तो ये सन्नी मेरा देवर हमेशा छेड़खानी करता और ज़बरदस्ती करने की कोशिश, लेकिन फिर मैं चली जाती थी और इसके घर वाले कोई कुछ नहीं बोलता था। जब भी कुछ बोलती तो ये लोग कुछ उसको नहीं बोलते थे और इसका साथ देते थे। उसके बाद फिर जब मैं आई लॉकडाउन के दौरान, जब मैं आई थी बनारस से यहाँ पे, तो मेरे देवर ने मेरे साथ बलात्कार किया। जून के महीने में मेरे साथ बलात्कार किया और मुझे जान से, उस दौरान मेरे घर पे मेरे ससुर और सास घर पे ही थी और मेरे हस्बैंड भी लॉकडाउन के दौरान आए थे लेकिन घर पे नहीं थे, वो कहीं गए थे। तो मेरे सास ससुर के सामने ही मुझे घर में ले जाके, और मेरे सास ससुर घर रूम के बाहर ही रहे लेकिन वो कुछ नहीं बोले और मेरे साथ बलात्कार किया। फिर उसके बाद मुझे मार डालने के लिए धमकी दी कि किसी को बताना नहीं, और हमेशा ही ऐसे मार डालने की धमकी देते थे। जब उसका पेट में बच्चा पला तो मैं डर के मारे अपने हस्बैंड को नहीं बताती रही कि मुझे जान से मार देंगे। और उसके बाद मेरे हस्बैंड सोचे कि मेरा बच्चा है इसलिए कुछ वो नहीं बोले। फिर जब मेरे हस्बैंड कुछ दिन बाद चले गए कमाने तो ये लोग मुझे फिर से मारना पीटना दहेज मांगना ये सब करने लगे। उसके बाद फिर दो सितंबर के टाइम मुझे मेरे ससुर और सास और देवर ने मुझे मारा पेट में मारा। उस मुझे ब्लीडिंग होने लगी तो मुझे यहीं मऊ जिला फातिमा हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया गया ताकि मेरा अबॉर्शन करा सके। वहाँ पे डॉक्टर मना कर दिया, मुझे ब्लीडिंग हो रही थी तो डॉक्टर मेरा बच्चा बचने की वजह से मना कर दिया कि हम लोग अबॉर्शन नहीं करेंगे, बच्चा बच गया है। वहाँ पे मैं डर के मारे किसी को नहीं बताई कि मेरे साथ ऐसा हुआ था, मारे पीटे थे। उसके बाद फिर जब वो लोग फिर जब मुझे घर पे लेके आए तो मुझे फिर से काम उम करवाना, डॉक्टर के मना करने के बावजूद भी मेरे साथ काम उम करवाना शुरू कर दिए। इसलिए मेरे पेट में मेरी बच्ची, जब 3 महीने पहले जब मेरी बच्ची जनवरी के टाइम मेरी बच्ची पेट में थी अभी, तो ये बच्चा मेरे देवर सन्नी का है। और मेरे देवर ने मुझे हमेशा मारा धमकाया और उसके माँ बाप ने भी मुझे मारते पीटते रहे और धमकाते रहे जान से मारने की धमकी ली। इसलिए आज तक मैं कभी किसी से नहीं कुछ बोली। जब मेरी बहुत ज़्यादा तबीयत खराब हुई, मेरे पेट में ही बच्ची थी, तो उस दौरान जब इन लोग को मैंने बोला दवा के लिए तो ये लोग नहीं ले गए, तो RSS की टीम, रुद्र शक्ति सेना, नारी शक्ति को मैंने सारी बात बताई तो उन्होंने मुझे मेरे को एम्बुलेंस बुलाया और मेरा दवा कराया और फिर घर पे ला कर छोड़ने के लिए सब मुझे रुद्र शक्ति सेना के द्वारा हेल्प मिला और मेरे तबीयत में सुधार आया। उसके बाद फिर ऐसे ही जब मेरा ऑपरेशन हुआ, मेरी बच्ची 24 फरवरी 2021 को हुई और ऑपरेशन से हुई थी। इस दौरान मेरी 1.5 साल की बच्ची है, वो भी ऑपरेशन से हुई है, तो वो भी मेरा टाका फट गया दूसरे ऑपरेशन के टाइम। उसके बाद जब वहाँ से डिस्चार्ज करा गया तो डॉक्टर ने बोला कि 2 ऑपरेशन हुआ है इसलिए उनसे कुछ भी काम मत करवाइएगा 4-5 महीने। तो उन्होंने फिर घर पे लाके और उस दिन किए और फिर छोड़ दिए। मेरी तबीयत ख़राब थी, मेरी 1.5 साल की बच्ची है और उसकी भी तबीयत ख़राब थी, लेकिन ये लोग खाना पानी बंद कर दिया और हमें दहेज के लिए मार करते थे और मारने पीटने लगे और खाना बंद कर दिए। इसलिए हमने फिर रुद्र शक्ति सेना में वी प्रकाश भैया को फ़ोन किया और उनसे जब मैंने बताया, मेरी हेल्प मांगी, तो उन्होंने मुझे साहस दिया कि तुम पुलिस को कंप्लेन करो और हक के लिए लड़ो। तो मुझे साहस मिला, मैंने पुलिस को फ़ोन किया। उस दौरान पुलिस आई और उन्होंने भी मेरी कोई मदद नहीं की, वो उन्हें समझाए और फिर चले गए। फिर उसके बाद भी जब उन्होंने समझाया तो इन्होंने सकारा कि हाँ हम करेंगे, उसके बाद भी ये लोग नहीं किए।
और उसके बाद से ये लोग हम लोगों को मेरी बच्ची को छोड़ दिया, दवा नहीं कराने लग गए ना मुझे और ना ही मेरी बच्ची को। फिर रुद्र शक्ति सेना में मैंने जब बताया तो उन्होंने मेरी हेल्प की और उन्होंने मुझे बहुत साहस दिया कि तुम जाओ और कंप्लेन करने के लिए साहस दिया, मुझे लड़ने की शक्ति दी, जिसे मैं थाने पे गई और वहाँ पे जाके मैंने कंप्लेन दर्ज कराया। तो उस दिन मुझे बैठाए रहे, लेकिन उन्होंने ना कंप्लेन दर्ज किया और ना ही कुछ भी, मुझे बैठाए रहे और मेरा फिर रात भर बैठा रहे। फिर सुबह के दौरान मैं जब आई, मैं सुबह में भी बुलाया गया, जब मैं गई तो सुबह से बैठे बैठे और फिर भी मेरा कंप्लेन दर्ज नहीं हो रहा था और मुझे बैठाए बैठाए मुझे जब मेरे पेट में दर्द होने लगा, मुझे बहुत ज़्यादा ब्लीडिंग हो रही थी और मेरी बच्ची दूध से करा रही थी, फिर भी इन्होंने मेरा कंप्लेन नहीं दर्ज किया, मुझे बैठा रहे। उस दौरान मुझे रुद्र शक्ति सेना से हेल्प मिली और उनके द्वारा कहने पे मेरा कंप्लेन दर्ज हुआ और उन्होंने जब बहुत मतलब मेरी हेल्प की और उन्हीं की वजह से मुझे मुझे साहस मिला है कि मैं यहाँ तक आई हूँ। और उस दिन भी उन्होंने इतना साहस दिया जिससे मैं आगे लड़ रही हूँ और लड़ूँगी। उन्होंने जब मुझे उन्हीं के द्वारा मुकदमा दर्ज कराया गया, उन्होंने जब बोला तो, और उसके बाद भी मुझे उनके द्वारा ही मुझे थाने में खाने पीने की व्यवस्था मिली, मेरी बच्ची को दूध मिला और आराम करने की।